लक नल इंसान फी कबद, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है सूर्य इंशका के अंदर भी इस तरह की आयात आई थी मैंने डिटेल गुफ्तु की थी कि हर शख्स मुशक्कत में पैदा किया गया पैदाइश से लेकर मरते दम तक इंसान मुशक्कत में खसूस जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है तो मुशक्त में इजाफा हो जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान पर बुरा वक्त ही आता है अच्छा वक्त नहीं आता इंसान की मसरूफियात बढ़ जाती हैं इंसान की तगोदो बढ़ जाती है औलाद की, की तरबियत का मामला उनके रिस्क का बंदोबस्त करना ज़ाहिर अल्लाह ने इस बाप के साथ चीज़ों को जोड़ा हुआ है तो पूरी ज़िंदगी इंसान मुशक्कत काटता रहता है लेकिन कामयाब हैं वो लोग जिनकी ये मशक्क़्त अल्लाह के लिए होती है चाहे वो अपने बीवी बच्चों के लिए भी कर रहे हैं लेकिन खुदा टॉप प्रार्टी रहे्लाह को तरजीह अव्वल माने जैसे ही अल्लाह के वाले से तरजीह हट गई तो आपकी बड़ी सी बड़ी नेकी भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी एक शख्स रिजके हलाल कमा रहा है, उसके लिए नेकी है लेकिन अगर उसकी वजह से वो नमाजें छोड़ रहा है रोजे छोड़ रहा है अल्लाह के अहकाम को पामाल कर रहा है तो ये उसकी नेकी फिर किस काम की है वो तो फिर कई और लोग भी कर रहे हैं क्या दुनिया में लाखों गैर मुस्लिम ऐसे नहीं है जो हल कमा रहे हैं बड़े बड़े अपराइट किस्म के लोग हैं उसके आपको मुसलमानों में दिखाने मुश्किल हो जाते हैं लेकिन जब तक खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं होगी आपकी नेकियों का आपको फायदा नहीं होगा तो इंसान को मुशक्कत में अल्लाह ने पैदा किया मां को भी मुशक्कत उठानी पड़ती है बाप को भी उठानी पड़ती है और इंसान जब यानी बचपन में तो उसकी बड़ी बादशाह वाली जिंदगी होती है जो जो जवानी में कदम रखता है उसकी मुशक्कत का दौर शुरू हो जाता है हती के इंसान इस जिंदगी से फारिग हो जाता है इतनी तकलीफें उठाने के बाद अभी आखरत की तकलीफें बाकी है अगर किसी ने दुनिया में अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारी तो उसकी ये मुशक्कत आर्जी है हमेशा की कामयाबियां उसका मुकद्दर है और अगर किसी ने दुनिया अपनी मर्जी की गुजारी तो यहां पे कितनी याशी कर लेगा वो अल्टीमेटली मर के हमेशा की जिंदगी में अल्लाह ताला के हुजूर उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा और हमेशा की मुशक्कतें, जिल्लत और अजाब उसका मुकद्दर होने वाली है आदु तो इंसान की कोशिश होती है अब वो कोशिश अगर पॉजिटिव है रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा है तो नेगेटिव उसी का जिक्र अब आगे आ रहा है इंसान यह गुमान करता है कि उस पर किसी का पस नहीं चलेगा यानी वो अगर दुनिया अपनी मर्जी की गुजार है तो ये समझ रहे आखरत भी अपनी मर्जी की गुजारेगा ना ऐसा नहीं होगा बड़े फखर से कहता है कि मैंने तो बड़ा माल खर्च किया है स्पेसिफिकली तो इशारा है मुशरकिन अरब के उन अमीर लोगों की तरफ जिनका जिक्र कुरान पाक में कई जगह है कि वो बड़ा फखर करते थे कि हम हर मक्का की जो खिदमत है वो हमारे जिम्मे है हम यहाँ पे हाजियों के ऊपर जो है वो खर्चा भी करते हैं अल्लाह की राह में लौटाते हैं अल्लाह है, तरह इन अमाल का फ़ायदा नहीं है जब तक तुम अल्लाह की तोहद और उसके इस्लाम की रसालत पर ईमान नहीं लाओगे शिरक से किनारा कशी इख्तियार नहीं करोगे तो ये हाजियों के ऊपर खाना पीने के ऊपर पैसे सरफ़ करना ये माल जो तुम लगा रहे हो और बड़ी अकड़ रहे हो कि अल्लाह के हजूर इसका कोई इजर मिलेगा कोई इजर नहीं है इसका आया सब अलमू अहक क्या वो ख्याल करता है कि उसे किसी ने नहीं देखा उसको नहीं पता ये तुम लोग किस लिए कर रहे हो वो करते थे सिर्फ अपनी इमारत को जिताने के लिए रियाकारी के लिए लोगों पे अपनी जो दौलत है उसका रोप डालने के लिए जिस तरह आजकल भी आप देखते हैं लोग मसाजिद के अंदर वजू खाने बनवाते हैं टॉयलेट्स बनवाते हैं कालीन डलवा लेते हैं तो बाकायदा वो कई जगह पे तो देखा गया नेम प्लेट लिखवा देते हैं कि वजू खाना फलां के लिए हुआ है फलां के साले से के लिए भाई अगर इस साले स्वाव के लिए भी है तो अल्लाह को तो पता है ना आपके लिखने का तो अल्लाह मोहताज नहीं है नेकियों को तो छुपाना चाहिए यह खतरा है कि आपकी नेकियां बर्बाद हो जाए और कई लोग तो जो है वो हराम के माल से जो है इस तरह के मामला चल रहे होते हैं उनके और वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह की राम में थोड़ा सा पैसा खैरात करके अपने बाकी के माल को हलाल कर लेंगे ऐसा नहीं होगा अल्लाह ताला बहुत गैरतमंद है